Nepal ka fear. Okay. Uh, <clears throat> Nepal always, by and large, if you see the history, then they have lived in the fear of your India. Particularly India, by and large, uh, interfered, interfered in their internal affairs. Uh, for instance, they when King was there, when King was there, तो हम लोग मतलब देयर फॉरेन पॉलिसी इज वेरी मच डिक्टेटेड बाय इंडिया तो दैट इज वन ऑफ द फियरफुल फियर एक है कि इंटरनल अफेयर्स जो भी है दे इंटरवेन इन सेकेंडली इज दैट द फेट ऑफ सिक्किम ठीक है सिक्किम का है दिस इज योर सिक्किम ठीक है ये क्या है सिक्किम है आपका राइट सिक्किम सिक्किम को हमने अपने अंदर ले लिया था ठीक है सिक्किम बाय लार्ज रिमेन इंडिपेंडेंट रिमेंबर इट बट बी टुक इट देर ऑलवेज फियरफुल दैट देयर मे बी अ टाइम वेन दे विल टेक हो सकता है दे विल मेक अस दार्ट ऑफ इफ सच इज द केस ऑफकोर्स फियर विल बी देर पर्टिकुलरली इन देअर इलीट ठीक है अब इसी में श्याम सरन लिखता है कि देर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज एज मच इंटरकनेक्टेड एज इंडिया एंड नेपाल बट देर इज अ ब्रॉड लेवल स्केप्टिज्म और ब्रॉड लेवल अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन दैट एग्जिस्ट इन नेपाल दैट इंडिया डजेंट रेस्पेक्ट नेपाल इंडिया जो है रेस्पेक्ट नहीं करता डू नॉट रेस्पेक्ट देयर सोवरेंटी डू नॉट रेस्पेक्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड दे वेरी ऑफन इंडल्स इन टू द डोमेस्टिक अफेयर्स ऐसा बोलते दैट इज वन ऑफ द बिगर ये सेकेंडली एक बहुत बार एडिटेंट वो है तो अब वेन यू हैव स्केप्टिज्म हाउ आर यू गोइंग टू कोलेबोरेट दैट्स द प्रॉब ओके फिर Lack of interest. Okay. Iska interest. India's interest in Nepal. In the uh Cold War time. We were involved with Cold War. As far as South Asia is concerned, we were broadly involved in what to say? Uh, Pakistan, Sri Lanka kind of country. We did not give much attention to Sri Lanka. This is Cold War of China. This is focus We did not focus much on uh, them, particularly after independence. We didn't focus much Alright? So that was what if they are not interested If they are not interested, why the hell will. वी गिव एन इम्प्रेशन दैट वी आर इंटरेस्टेड ठीक है uh, अब एक थी ऑफ स्पेशल थीसिस है ये थिस इज ऑफ स्पेशल रिलेशन विथ नेपाल अब इसको दे हैव इंटरप्रिटेड इट ंगली यू कैन से अब देखो नेहरू जी ने नाइनटीन फिफ्टी में वेरी कैटेगरिकली एंड वेरी इम्फेटिकली हाईलाइटेड अबाउट द रिलेशनशिप दैट इंडिया शेयर विथ नेपाल इन द पार्लियामेंट पार्लियामेंट में बोला था ठीक है ओके पार्लियामेंट्री स्पीच में नाइनटीन फिफ्टी में बोला नाउ नेहरू जी सेड ठीक है वट एवर ही सैड ही सेड इट इन द टोन एंड टेनर ऑफ अ बिग ब्रदर हू केयर अबाउट स्मोलर ब्रदर ऐसा था बट वेन नेपाल रोड इट स्पेशल रिलेशन नेहरू जी कॉल्ड इट अ स्पेशल रिलेश नेपाल कंस्ट्रूड दैट स्पीच दैट स्पीच इन अ वेरी वेरी डिफरेंट लाइट और डिफरेंट लाइट में उस स्पीच को उन्होंने समझा ठीक है समझिए वेरी डिफरेंट लाइट अब Uh, उसमें जो इंडिकेट किया था दैट इंडिया शेयर अ डीप बॉन्ड ऑफ बोनहोमी दोस्ती एंड किनशिप फैमिली ठीक है हाउएवर ठीक है हाउएवर व्हेन दे सी ठीक है विजुअलाइज दैट स्पीच दे सॉ इट दैट इंडिया इज कंसीडरिंग नेपाल एज देयर Area of influence. Okay. India is considering Nepal as their area of influence. Nehruji tried to say something else. Nepal's elite or Nepal's Raja, the king, the monarch, they construed it in that manner. It went actually negative. Then one of the major problems is internal politics. Politics of Nepal. Up is the problem. Internal politics of Nepal is very divided, or broad level, as the Saran noticed, that broad level, if you see, <clears throat> broad level, if you see, then uh, Nepal ka politics is upper caste elite. They are the one who rule it. Remember it. Upper caste elite is the one who rule it. Okay? And they consciously, they consciously and deliberately tried to project Nepalese culture as mountain culture. नेपलीज कल्चर नेपाल का कल्चर एज माउंटेन कल्चर ठीक है माउंटेन कल्चर था ओके तो इट मींस वी आर अ डिस, वी हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट कल्चर अवे फ्रॉम इंडिया ठीक है एंड दिस पीपल कंसीडर इंडिया दिस पीपल इलीट्स कंसीडर इंडिया ब्रॉडली एज ए थ्रेट रादर देन an opportunity ok ok rather than opportunity ok now now this ok so when you try and think in that line then of course there is a problem now नेक्स्ट आई वुड से अभी रिसेंट डेवलप दिज आर ट्रेडिशनल शुरू से ही चल रहा है कॉन्टिन्यूटी इन कॉन्टिन्यूटी यूल सी दिज आर दर इटेंट बिटवीन इंडिया एंड दिज आर द रीजन ऑफ मेजर इरिटेंट कंफ्यूजन है उन लोग कंफ्यूज आदमी है नेपलिस ठीक है अब सोचते हैं अब एक फैक्टर तो ऑफकोर्स हमारा फेवरेट चाइनीज फैक्टर्स चाइना का फैक्टर भाई साहब जहां जाओ वहां चाइना मिल जाता है देख ही रहे पीछा नहीं छोड़ रहा है टेंशन नहीं है मोदी जी है अपने पास ठीक है चलिए नाउ फर्स्ट थिंग डेट In 1959, okay in 1959, let's come back to the map. 1959, Chinese conquest of Tibet was by and large over. Okay? Full sovereignty they have claimed. Every army and everything was well in place. Uh, there was some uprising here and there by monks of several ranks, but they have been very uh, surgically wiped out, or rather brutally wiped out in public view, open public view. ठीक है तो वो एक चीज हो गया देन अब नाउ दिस पर्टिकुलर मूव द इन द स्विफ्ट मैनर दैट चाइनीज हैव कैप्चर्ड तिब्बत इट दे बिकेम फियरफुल टू नेपाल ठीक है एंड एंड दे थॉट रिमेंबर एंड आफ्टर It is completed, then 1962 war happened between India and China. The fear of Nepal has further gone up. Anyone will be scared. Okay. So, from there, you can say they started projecting themselves as independent, having an independent foreign policy, okay. not just bandwagoning with India. उन्होंने बोला कि भाई मेरा ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी है मेरा इंडिया वाला फॉरेन पॉलिसी नहीं है बिकॉज़ दे वेर स्केप्टिक ठीक है कि दे कैन कैप्चर तिब्बत इन विद इन नो टाइम एंड एनी रेजिस्टेंस वो एवर वॉज देयर वॉज डेल्ट विथ आयरन तो फिर इसको भी तो कर सकता है वो और इंडिया को अटैक कर सकते हैं तो हम कौन से बड़ी चीजें Got it. In this context, you have to understand. In this context, you have to understand the relationship between. Okay, a key context. another context is from here to here. All this, remember, are the factors that is causing, or rather. Uh, are the reasons why China and uh, Ch Nepal is coming closer? Okay? Ab <clears throat> so, when, Abhi recent development, ke baat karte. when China, when, sorry, Xi Jinping became Chinese premier, okay? President, so one of the visits that he has undertaken was the visit of Nepal. छोटा कंट्री है लेकिन ही विजिटेड एंड अपग्रेडेड द पार्टनरशिप टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमने इसको उन लोगों ने बढ़ा क्या कर दिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑल राइट देन तेन मेनी डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ ठीक है जैसे कि दे हैव एक बोला जाता है हिमालयन कोडिलेटरल मीटिंग ठीक है Himalayan quadrilateral meeting in this meeting you have china you have nepal you have afghanistan and you have pakistan okay these are the four countries that is here. It's some sort of whether though it is a loosely connected grouping kind of but yet it is a grouping and and it is primarily meant remember primarily meant to balance somewhat what ठीक है देन चाइना हैज ऑफर्ड देम ठीक है अब देखो यहां पे पर गया मैप इसमें देखो अब चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो चिंगचेंग ऊपर है अंडर डेवलपमेंट है इस साइड जब आ जाओगे ना अरुणाचल से इस साइड जाओगे और फर्दर ईस्ट देन दैट इज केनमेंग ठीक है कु सॉरी कुनमिंग कुनमिंग प्रोविंस आ जाता है ऊपर जाओगे तो फिर यू हैव बीजिंग संघाई और ये सब ऊपर आ जाएगा ठीक है नाउ दिस एरिया इज तिब्बत ठीक है इफ यू सी द कनेक्टिविटी बिटवीन कुनमिंग एंड तिब्बत देन इट इज अ अक्सलेंट कनेक्टिविटी रोड रेलवे सब चीज है एंड ऑल दीज रोड एंड रेलवे कनेक्ट टू कुनमिंग एंड पोर्ट फैसिलिटी टू कनेक्टिविटी है उसका ठीक है दट इज ऑल्सो कोल्ड एज ट्रांस हिमालय रेलवे नेपाल टू यूज ऑल दीज फैसिलिटीज ठीक है उनको ऑफर किया कि भाई यार तुम्हें यूज करना है तो कर लो ठीक है सेकेंडली चाइन नेपाल नेपाल का क्या है दे हैव ऑल्सो ज्वाइंड बी आर आई ठीक है अब बड़ा हंसने वाली बात है अभी रिसेंटली <laughs> वॉट है पहले चाइना हैज ब्रॉट अमस वॉट अ बुक ठीक है बुक में था कि ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अंडर बीआरआई इन दैट बुक फोर फाइव इंपॉर्टेंट मतलब प्रोजेक्ट्स वर मेंशन व्हिच दे क्लेम दैट दे हैव कंप्लीटेड इन नेपाल वो बुक लोगों ने देखा बोला बनाया होगा नेपालीज़ गवर्नमेंट से <laughs> <laughs> नेपालीज़ नेपालिज गवर्नमेंट से There is no project like that. <laughs> Theek hai. One of them was your airport. Fine. Airport. Tha. <coughs> and that airport that comes under BRI. whose airport ka facility has not been augmented. Not even a single dollar was invested in that facility. Okay. Whatever. The situation was the same situation prevails as of now. But yes, technically they are part of BRI. Right. China you can imagine. Okay. <clears throat> then uh, Chinese army and Nepalese Army, they conducted uh, joint military exercise in the first time in 2017, then again repeated in 2018. एंड आफ्टर दैट कोविड एंड अदर थिंग्स केम तो नहीं हो पाया लेकिन पोस्ट कोविड अगेन दे हैव कंडक्टेड ठीक है देन चाइना ऑफकोर्स प्रोवाइड लाइन ऑफ क्रेडिट पैसा तो बहुत है उनके पास देता है ठीक है देन जस्ट बिफोर कोविड देयर वॉज दिस प्राइम मिनिस्टर नेम्ड ओली तो ओली हैज गिवेन गोली टू इंडिया ठीक है And embraced China. There are certain conspiracy theory behind it, uh, like the certain influence that lady has on Oli, and that lady happened to be the Chinese ambassador to Nepal. So, what's the reality? We do not know, but yeah, it was circulating in the news at that time. So, Oli ne. इंडिया के बारे में वो लिंपियाधूरा काला पानी सेट समे से अनदर थिंग दैट हियर यू कैन सी दैट नेपाल इज अ नेशंट डेमोक्रेसी टेमोक्रेसी जुवेनाइल डेमोक्रेसी ठीक है एक जुवेनाइल डेमोक्रेसी अब समझिए नेपाल इज जुवेनाइल डेमोक्रेसी रिसेंटली दे हैव In the, I think in 2015, okay. Uh, the constitution, remember, the constitution, the new constitution of Japan, uh, sorry, Nepal was written. Now, in that constitution, many people say there is a significant influence of China on the making of that constitution. Okay, people say. So Chinese influence has gone to that level. Two things that has come up in the last I would say since 2015. Since 2015 that are significant. Remember that are significant as far as the relationship is. First the, uh, consti the new constitution of Nepal and secondly the tenure of Oli. ठीक है उस आदमी का टेनियर ने बहुत सारा ही सेड एनी मतलब सो मेनी बैड थिंग्स अबाउट इंडिया ओके ये दो बहुत लोएस्ट पॉइंट रहा अभी सबसे लोएस्ट पॉइंट आई वुड वुर से इज द पॉइंट व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ओके उस टाइम में तो व्हाट वाज देयर व्हाट वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन आई टेल यू चलिए फर्स्ट थिंग ट्राई एंड अंडरस्टैंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी and uh, of geographical dispersion of uh, demography matla population in nepal so this is hilly area and this is tarai area matlab plain area most of the people most of the people majority of the population lives in plain area kabhi bhi plain area my population will be more than अपर रिचेस और यहाँ पे हिमालय जो है वो छोटा मोटा नहीं है लंबे लंबे हिमालय बड़े बड़े तो मधेसीज मधेशी बोलते हैं उसको ना okay? ऊपर के लोग माउंटेन कल्चर नीचे प्लेन नाउ दिस मधेसीज आर दे लुक लाइका मतलब आस इन द सेंस बिहार यूपी के टाइप एंड इफ यू गो टू दिस दिस एरियाज देन मोस्ट ऑफ देम विल बी स्पीकिंग इन भोजपुरी सम पीपल अगर इस साइड आ जाओगे थोड़ा ईस्टर्न साइड आ जाओगे सम पीपल ऑल्सो स्पीक इन मैथिली मैथिली भी बोलते हैं और मैक्सिमम पीपल स्पीक इन भोजपुरी ठीक है रक्सौल साइड जाओगे तो आपको मिलेगा भोजपुरी बोलने वाले इस साइड आओगे थोड़ा सीतामढ़ी साइड आओगे तो देन आपको क्या मिलेगा <coughs> थोड़ा भोजपुरी प्लस मैथिली ओके okay? तो ये एरिया वो है मेजर पॉपुलेशन नाउ दो चीज हुआ इसमें जो मेजर प्रॉब्लम एक तो फर्स्ट थिंग जिसे है ना अपने यहां द पीपल ऑफ इंडिया लिखता है प्रियम्बल वहां पे लिखा वी द नेपलीज पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन दे रोट पीपल नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विद पीपल ऑफ इंडिया मतलब पीपल ऑफ इंडिया द सोर्स ऑफ पावर इज द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजोर्व टू कॉन्स्टिट्यूट हम लोग बनाना चाह रहे हैं वहां पर क्या हो गया विद नेपलीज पीपल मतलब पहले नेपाल आ गया उसके बाद पीपल आ गया मींस स्टेट हैज प्रीडोमेंट अथॉरिटी ओवर द पीपल लीगल टर्म्स में बता रहा हूं ट हेज क्रिएटेड ह्यूज प्रॉब्लम मीन स्टेट हाई हैंडेड ने स्टेट पावर विल ऑलवेज बी देयर मोर देन पीपल इन दैट लैंग्वेज दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यू इंडिया ने विरोध किया कि इस तरह से करोगे तो दिक्कत होगा तुमको फ्यूचर में सेकेंडली है मतलब जो स्टेट का जो प्रोविंसेस है उसको ऐसा कर दिया वर्टिकल डिवीजन ना वर्टिकल डिवीजन जब करते हो ठीक है मान लो ऐसे ऐसे कर दिया एक दो तीन चार नौ ठीक है वर्टिकल डिवीज़न अब उसमें क्या हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट जब हुआ ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स जब हुआ तो इक्विटेबल प्रोपोर्शन बेस्ड नहीं हुआ ठीक है इट वाज नॉट प्रोपोर्शन बेस्ड द माउंटेन पीपल हु आर लेस इन नंबर they had more seats compared to the madhesis purpose is to make the politics elitist and power should be with the people of this area mountain area not with this area because they think remember they think that indian culture and madhesis culture is same and indian influence in madhesis area is immense तो इन्फ्लुएंस ऊपर वाले का रहे इसीलिए उसने बनाया, ठीक है? अब इंडिया को ये हो गया और एकदम बोला कुछ तो करना होगा अब directly तो कर नहीं सकते हो तो दे तो से जितने भी रूट्स थे यहाँ रूट है यहाँ रूट है यहाँ रूट है सो मेनी रूट्स आर देयर सो मेनी रूट्स आर देयर टू इंटर इनटू नेपाल ठीक है चार पांच रूट है मेजर रूट जहां ट्रेड होता है <coughs> उन सब जगह इंटरनली डिड जाम बंद कंप्लीट लॉकडाउन नो ट्रक विल गो इन साइड नो ट्रक विल कम आउट साइड नाउ दे आर फुल्ली डिपेंडेंट रिमेंबर दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन इंडिया यहां से जाएगा तभी खाएगा नीदर फूड नॉर ऑयल नॉर एनीथिंग एसेंशियल medicine, medicine, जो भी है ना थाउजेंड ऑफ ट्रक उस साइड और इस साइड दोनों मिला के ट्रक को पास ही नहीं होने देखा एक दिन दो दिन पांच दिन एक सप्ताह दो सप्ताह तीन सप्ताह चार सप्ताह पांच सप्ताह छह सप्ताह ऐसे होने लगा वीक्स आफ्टर वीक्स प्रॉब्लम स्टार्टेड ब्रूंग इंटरनली इट वॉज ऑर्केस्टर्ड बाई इंडिया एंड क्यों नहीं करेगा भाई करेंगे हम बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे लेकिन इंडिया सेट तो वी डोंट हैव एनी हैंड इट इज योर ओन पीपल मधेशीज़ पीपल हैव डन इट हम लोग नहीं कुछ एंड okay. इंडिया ने बोला कि सिंस वी कैन नॉट सेंड गुड्स टू यू थ्रू रोड आई विल सेंड गुड्स टू यू थ्रू एयर रूट ना एयर रूट में कितना ट्रांसपोर्ट कर लोगे सेकेंडली मेजर एयरपोर्ट कितना है वहां पे दो एयरपोर्ट थ इफ आई रिमेंबर करेक्टली वन इज काठमांडू एक और जगह है कोई दो तो ही मेजर है जहां पे बड़ा कार्गो निकाला जा सकता ठीक है right. तो करने लगा कितना कर पाओगे सीवियर ऑफ फूड इंडियन गवर्नमेंट तो बोला कि जो भी चाहिए तुमको मैं देता हूँ लेकिन हम हवाई जहाज से कितना ले जा पाएंगे स्कॉर्सिटी ऑफ फूड मेडिसिन फूएल ठंडा बढ़ने लगा यू नीड फूएल ठीक है So they came, these people, elite mostly. These people came under immense pressure and they finally succumbed to the pressure and they said we will review the That was the lowest point because they think or world knows it was orchestrated by India, India that power should be distributed equally. If power is not distributed equally, then Madhesis will lose.

yewala was the major problem. and all these, वो. so china has, china has offered them, trans-himalayan railway, all the port facility in the eastern uh, region, use but the problem, try to understand. here, plain area, connectivity here is excellent. Turant connectivity है. here, you have to carve out the infrastructure from this area through the mighty Himalayas into the region of Tibbat, subconnect Hoge or distance with the birth, It's an impossible one. Highly expensive, both Jada Yehoga, that is not at all. Though you have access to everything, yet you cannot reap the benefit of those things. It is economically imprudent, uh, strategically imprudent, problem finally they succumb, and later on. ओली को तो भी हमने निपटा दिया एंड सो ऑन शो ठीक है चलिए तो अब हो, होना फिर कोविड के टाइम में भी प्रॉब्लम हुआ था याद रखिए कोविड के टाइम में एज वेल प्रॉब्लम क्योंकि भाई सब बंद था तो हम कहाँ से भेजेंगे तुम्हें वो तो लोग नाराज हो गए हमको नहीं भेजे सर हमने बोला कि ठीक है यार कम से कम सुई ले लो तुम ऑल राइट चलो अब सजेशन एंड ओपिनियन क्या हो सकता है वॉट कुड बी द सजेशन एंड ओपिनियन Remember, so many things we will talk about. Okay. For about uh, BBIN MPV corridor. Hai baat and there is one churning that is going on that the new economic corridor should be built between Nepal, India, and Bangladesh. NIP. This is a corridor that many people are saying, uh, or when I will talk about MPV, Motor Vehicle Act. ठीक बी बी आई एन कॉरिडोर भूटान वाले में डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू अबाउट द एन आई पी नॉट प्रपोज इट इज जस्ट इमेजिन्ड ओके अभी इमेजिनेशन में है आइडिएशन पेज में है मे बी डाउन द लाइन हम लोग हो सकता है इसका रियलिटी देख ओके एंड सम पीपल सम स्कॉलर राजा मोहन श्याम शरण जयंत प्रसाद सो मेनी पीपल आर देयर सेट दिस एजेंडा reality is we need to behave like a good neighbor at the same time india should clearly convey that we don't want to interfere in your uh, your uh, country but our interests should not be hampered okay we want you to connect more to us okay message ke deliver then benefits uh, in recently a trilateral agreement is signed between Bangladesh, India, and um, your Nepal. 10,000 megawatt energy production that will be produced here. It will be, be consumed, some of the energy will be consumed in India, and some of the energy will go to which place? Your Bangladesh. Okay. Bangladesh will pay.

नोट्स जो है वो मैं आपको दे दूंगा क्योंकि कल फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा नोट्स को डिक्टेट कराने में जो पढ़ाया वही एग्जैक्टली डिक्टेट कराऊंगा आई विल गिव इट टू यू फाइन तो आज के लिए यहां तक रखते हैं ओके विल मीट सेम टाइम और फिर नोट्स मिल जाएगा आज ही ठीक है और इसको जो है जितना भी ड्रॉइंग है ड्रॉ कर लो बिकॉज दिज आर द थिंग दैट यू कैन ड्रॉ इन एग्जामिनेशन एज वेल फाइन और यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस स्मॉल डाइग्राम्स एंड यू कैन ब्रिंग सम इनोवेशन इन एंड एंड यू कैन ड्रॉ योर ओन वर्जन ऑफ डाइग्राम एज वेल हाँ टेकिंग इट एज अ बेस इज इम्पॉर्टेंट हम जोग्राफी नहीं समझते हैं हमें जियो जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा ज्योग्राफी का पॉलिटिक्स इज जियो पॉलिटिक्स डोंट अंडरस्टैंड कैन नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एट्स वाई आई ड्रो मैप। ठीक है चलिए कल खल मिलते हैं सेम टाइम थैंक यू वेरी मच